19 का वायरस फेफड़ों को निशाना बनाता है। आपको अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। WHO ने हाल ही में COVID-19 से उभर रहे मरीजों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि वो सांस लेने में हो रही तकलीफ से आसानी से निपट सकें। इसी बीच यूपी के एटा के डॉक्टर शैलेंद्र जैन ने 72 घंटे में कोरोना के मरीज को ठीक करने का दावा किया। MBBS डॉक्टर शैलेंद्र जैन इस थेरेपी के ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है। जरा देखिए आप भी इस वीडियो को और लाभ उठाइए इस तकनीक का। आपको दिखाएंगे कि नेबुलाइजर मशीन को कैसे जोड़ते हैं। ये एक नेबुलाइजर मशीन है और इससे कनेक्ट करते हुए एक पाइप है जिसको आपको चैम्बर से कनेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद जो मास्क है उसको चैम्बर से कनेक्ट कर दीजिए। अब चैम्बर में जो दवाई है उसको डालेंगे। चैम्बर को लगभग आधा भर देंगे। उसके बाद चैम्बर और मास्क को कनेक्ट कर देंगे। नेबुलाइजर मशीन को ऑन करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि मास्क को अपने चेहरे पे कैसे लगाना है। इस तरह मास्क को चेहरे पे लगा लीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। एक नाक को बंद करके गहरी सांस लीजिए दूसरे नाक से। सांस रोकिए और सांस बाहर निकालिए। इसी चीज को दूसरी तरफ भी दोहराना है। ऐसा लगभग 7 से 8 मिनट तक करिए। 5 मिनट तक करना है। हर आधे घंटे पर करना होता है। सोने पर कुछ नहीं करना होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।